एक बार की बात है, सीतापुर नामक गांव में एक बहुत ही ज्यादा पुराना स्कूल था और उस स्कूल में गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन, गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन, चलो जल्दी से अपनी बुक निकालो। क्लास टीचर सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हैं और जब उनका पीरियड पूरा हो जाता है तो वो सभी बच्चों से कहती हैं, आज साइंस का यह चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, मैंने टोटल 6 चैप्टर करा दिए हैं, इसलिए कल तुम्हारा टेस्ट है। अरे नहीं, 3 चैप्टर का है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सरप्राइज है। 6 चैप्टर में से कोई 3 चैप्टर का टेस्ट लेने वाली हूँ और इसके नंबर फाइनल एग्जाम में जोड़े जाएंगे और अगर कोई टेस्ट में फेल हुआ तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। क्लास टीचर सभी बच्चों को टेस्ट के बारे में बताकर चली जाती है। क्लास के कुछ बच्चे अभी से टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ बच्चे घर जाकर टेस्ट की तैयारी करते हैं। अगले दिन सभी बच्चे आते हैं और टीचर सभी बच्चों का टेस्ट लेती हैं और उसके बाद वो 4th पीरियड में क्लास में आती हैं। आरती बेटा, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, क्या सभी बच्चे आरती के लिए क्लैपिंग करो। पायल, वेरी गुड, तुमने भी बहुत अच्छा किया। सुमित, सुमित के लिए भी क्लैपिंग करो, इसने भी बहुत अच्छा किया है। क्लास के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, लेकिन एक स्टूडेंट को छोड़कर, अनामिका खड़ी हो जाओ। मैम, क्या मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया? 0 लेकर आई हो, अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? जब मैं सभी बच्चों को पढ़ा रही होती हूं, तो उस समय तुम क्या करती हो? क्या तुम बिल्कुल भी नहीं समझती? इतना भी नहीं लिखा कि 1-2 नंबर भी आ जाते? आखिर तुम करती क्या रहती हो? मैम, ये हॉरर स्टोरी पढ़ती है और उसके बाद अपने दोस्तों को भी वो हॉरर स्टोरी सुनाती है। इसका सिर्फ क्लास में यही काम है, आती है, हॉरर स्टोरी पढ़ती है और सुनाती है। अनामिका, आरती जो कह रही है वो सच है? क्या तुम हॉरर स्टोरी पढ़ती हो? अपना बैग लेकर आओ, मैं भी तो देखूं आखिर कौन सी हॉरर स्टोरी पढ़ती हो। अनामिका अपना बैग लेकर आती है, लेकिन वो घूर घूर कर आरती को ही देख रही थी, क्योंकि आरती की वजह से ही वो पकड़ी गई थी। जब टीचर उसका बैग चेक करती है तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग तरह की हॉरर स्टोरी बुक्स निकलती हैं। यह क्या है, तुम स्कूल में आकर हॉरर स्टोरी पढ़ती हो? तुम ऐसी स्टोरी पढ़ती ही क्यों हो? ये सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होती, ये सब एक झूठ है, भ्रम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस दुनिया में भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, ऐसा कुछ नहीं होता। आई बात समझ में? मैम, यह स्टोरी झूठी नहीं है, यह सभी स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इस दुनिया में भूत, प्रेत सब होते हैं। अच्छा, इस दुनिया में भूत होते हैं? क्या तुम कभी भूतों से मिली हो जो इतने विश्वास के साथ कह रही हो कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं? यह उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, ना कि भूत प्रेतों की कहानी पढ़ने की। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि बाहर जाकर ग्राउंड में खड़ी हो जाओ और उसके बाद मैं कल तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ और 3 चैप्टर का नहीं 6 चैप्टर का। जाओ, बाहर खड़ी हो जाओ, टेस्ट की तैयारी करो। क्लास टीचर अनामिका को पनिशमेंट दे देती है। अनामिका बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर ग्राउंड में जाकर खड़ी हो जाती है और वो टेस्ट की तैयारी करने लगती है, लेकिन उसका पढ़ने में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, उसे तो हॉरर स्टोरी पढ़ने में ही मजा आता था। आरती की बच्ची, मुझसे जरा बचकर रहना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से राधा मैम को पता चला है ना कि मैं हॉरर स्टोरी पढ़ती हूँ। देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ, तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं। मुझे लगता है कि तुझे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुझे टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, वरना तू तो राधा मैम को अच्छी तरह से जानती ही है। अगर तेरे कम नंबर आए तो तुझे क्या पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए अपने टेस्ट की तैयारी कर। अनामिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जब अनामिका की पनिशमेंट पूरी हो जाती है तो वह अपनी क्लास में आ जाती है। तभी अनामिका की दोस्त उससे कहती हैं, अनामिका कल तो इतने सारे चैप्टर का टेस्ट कैसे देगी और तेरी इतनी सारी महंगी महंगी बुक्स, वो भी राधा मैम के पास चले गई, अब वो तुझे वापस नहीं मिलेंगी। ये सब कुछ आरती की वजह से हुआ है।
आरती के बच्चे का तो नाम ही मत लो। जब भी मैं उसका चेहरा देख रही हूँ तो मेरा खून खोल रहा है। उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकती। क्लास में टॉप क्या कर लिया, पता नहीं खुद को क्या समझ रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं अच्छे नंबर से पास भी हो जाऊंगी और मुझे मेरी सारी बुक्स भी मिल जाएंगी। मगर वो कैसे, तुझे तो पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तुझसे तो एक लाइन भी याद नहीं होती, तो तू इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे याद कर लेगी? तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हें एक कहानी सुनाई थी। एक स्टूडेंट ने सूजी योरा रिचुअल किया था, जिसकी मदद से उसके सामने एक आत्मा प्रकट हो गई और उसने उस आत्मा से अपना फ्यूचर के बारे में पूछा। उस आत्मा ने फ्यूचर भी बताया और वो आत्मा उसके वश में भी हो गई थी। बस अब मैं भी वही रिचुअल करने वाली हूँ। यार वो एक कहानी थी, तो सीरियस ही ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा मैम ठीक ही तो कह रही थी, भूत वूत कुछ नहीं होते। हाँ हाँ ये बात सच है कि मुझे भूत या कहानी अच्छी लगती है, लेकिन ये सब झूठ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीप्ति ने स्कूल के चौराहे पर सूजी योरा रिचुअल किया था, लेकिन हमें यह रिचुअल नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक भी हो सकता है। यार मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, अगर हम आधी रात को सूजी योरा रिचुअल करेंगे तो हमारे सामने एक आत्मा आ जाएगी, जिसकी मदद से हमें हमारा फ्यूचर पता चल जाएगा और उस आत्मा को अपने वश में कर हम आरती के बच्चे को सबक भी सिखा सकते हैं, पढ़ाई का सारा भूत उतर जाएगा। क्या कहती हो, प्लीज मेरा साथ दो ना, प्लीज 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 मेरा साथ दो ना। हमारे पास कंघी भी है, कपड़ा भी है, लेकिन चौराहा कहाँ से आएगा? क्योंकि उस कहानी में बताया गया था कि सूजी योरा रिचुअल करने के लिए चौराहा सबसे ज्यादा जरूरी है, वो कहाँ से आएगा? मुझे लगता है कि तुम्हें चश्मे की जरूरत है, चश्मे लगाकर आया करो। इतने समय से स्कूल आ रही हो और तुमने स्कूल का रास्ता ही नहीं देखा। अरे हाँ ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, हम स्कूल के बाहर सूजी योरा रिचुअल कर सकते हैं, लेकिन यह रिचुअल खतरनाक भी हो सकता है। अनामिका के कहने पर उसके दोस्त स्कूल के चौराहे पर सूजी योरा रिचुअल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यह रिचुअल रात में 3:33 पर किया जाता, लेकिन यह रिचुअल बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत ही ज्यादा रिस्की था। इसके अंदर जान का भी खतरा हो सकता था, लेकिन अनामिका को एडवेंचर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था और भूतों की कहानी सुनने में तो और भी ज्यादा, इसलिए उसे यह सूजी योरा रिचुअल करने में जरा भी डर नहीं लग रहा था। यहाँ पर कितने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा, और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हम चारों के सिवा कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। कौन है यहाँ पर? अनामिका, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरे पीछे से गया हो, उसने मुझे छुआ भी, उसके लंबे लंबे नाखून, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हमें वापस चले जाना चाहिए, हमें नहीं खेलना चाहिए सूजी योरा, हमें नहीं जानना अपना फ्यूचर, कभी फ्यूचर जानने के चक्कर में अपनी जान ही चली जाए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, हमें नहीं करना यह रिचुअल, वापस चलते हैं। हाँ वापस चलते हैं। काव्या तो धर धर कांप रही है, तो बड़ी डरपोक है, तुझसे ज्यादा डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा। जब मैं तुझे हॉरर स्टोरी सुनाती थी तो बड़े मजे ले लेकर सुनती थी, और अब जब बहुत उसे मिलने का समय आया तो ऐसे धर धर कांप रही है। अरे यार कुछ नहीं होता, बहुत ऐसे ही फ्री में नहीं बैठे किसी को डराने के लिए, उन्हें बुलाना पड़ता है। ऐसा कहकर अनामिका और उसकी दोस्त मुंह पर कपड़ा बांध लेती हैं और उसके बाद अनामिका कंघी से आवाज करती है और वो चौराहे पर खड़ी थी। तभी अनामिका इस खेल को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों को अच्छी तरह से समझाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कुछ करना है रिचुअल करने से पहले ही कर लेना, उसके बाद हम बात भी नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ेंगे, हाथ छोड़ना नहीं है। हम 3 इस कंघी की आवाज करेंगे और 3 एक साथ ये बोलेंगे, सूजी योरा हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, कृपया करके हमारे सामने आओ।
और जब आत्मा हमारे सामने आ जाएगी तो किसी भी कीमत पर अपने मुंह से कपड़ा हटाना नहीं है, हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कपड़ा मुंह से हटना नहीं चाहिए। अनामिका अपने दोस्तों को अच्छी तरह से रिचुअल के बारे में समझा देती है क्योंकि उसने यह स्टोरी बहुत बार पढ़ी थी। उसे पता था कि किस तरह से स्कूल के चौराहे पर सूजी योरा के रिचुअल किया जाता है, किस तरह से भूतों को वश में किया जाता है। सूजी योरा, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी आत्मा यही आसपास भटक रही है तो कृपया करके हमारे पास आओ। अनामिका ऐसा 3 बार कहती है और उसके बाद वो आत्मा के आने का इंतजार करने लगती है। चौराहे पर कोई नहीं था, काली डरावनी अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कुछ समय बाद डरावनी आवाज आने लगती है। ऐसी डरावनी डरावनी आवाज उन चारों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी, कभी हॉरर मूवीज में भी नहीं सुनी थी। ये आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वो चारों थर-थर कांप रही थी, उनके माथे पर पसीना आ रहा था। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज तो मैंने कभी हॉरर मूवीज में भी नहीं सुनी। मेरे तो कान फट जाएंगे, ये कितनी ज्यादा खतरनाक आवाज है। अनामिका, अनामिका, मुझे लगता है कि यह आत्मा आने वाली है। मुझे लगता है कि हमें सूजी योरा रिचुअल नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। आत्मा के आने से पहले पहले हमें वापस चले जाना चाहिए। अनामिका को भी डर लग रहा था, लेकिन इतना नहीं जितना उसके दोस्तों को लग रहा था। और वो तीनों अपने चेहरे से कपड़ा हटा देती हैं, अनामिका का हाथ छोड़ देती हैं और वो स्कूल के पीछे वाले रास्ते से स्कूल में जाकर छिप जाती हैं। चौराहे पर अनामिका अकेली रह जाती है और तभी उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्मा आ जाती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक थी। इस चौराहे पर कौन सूजी योरा रिचुअल कर रहा था? क्या तुम थी? तुमने मुझे बुलाया और देखो मैं चली आई। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो? हमने पढ़ा था अगर चौराहे पर सूजी और रिचुअल किया जाता है तो वहाँ एक आत्मा आ जाती है और उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में बताती है और वो उनके वश में भी हो जाती है। अब आप आ ही चुकी हैं तो मुझे मेरा फ्यूचर बता दीजिए कि मेरा फ्यूचर क्या है। और मुझे आपसे एक काम और है, मेरे स्कूल में मेरी क्लासमेट जो मुझे बहुत परेशान करती है, तुम्हें उसे परेशान करना है, उसका जीना मुश्किल कर देना है, लेकिन पहले आप मुझे मेरा फ्यूचर बता दीजिए। तुम्हें अपना फ्यूचर जानना है तो सुनो, तुम्हारे फ्यूचर में मौत है। और वो भी मेरे हाथ से, मैं तुम्हें मजे से खाने वाली हूँ। और मेरे आने से पहले यहाँ 3 लड़कियाँ थी, वो कहाँ है? मुझे 1 नहीं 2 नहीं 4 लड़कियों का मांस खाने को मिलेगा। ये तुम क्या कह रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उस कहानी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखा था अगर इस रिचुअल को अच्छी तरह से किया जाए तो आत्मा तुम्हारे वश में हो जाती है और तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर भी बताती है, लेकिन तुम मुझे मारना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं करोगी। अनामिका के इतना कहते ही वो आत्मा अनामिका को हवा में उड़ा देती है और उसका गला पकड़कर उससे कहती है, तुमने यह रिचुअल अच्छे से नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों को भी, मुझसे कोई नहीं बचेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की सूजी योरा रिचुअल करके, तुम्हें यह रिचुअल नहीं करना चाहिए था। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं और सबको सबका फ्यूचर नहीं बताया जाता। और
और कुछ समय बाद अनामिका गायब हो जाती है और वो तीनों स्कूल में छिपी हुई बैठी थी और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो चुड़ैल स्कूल में आ चुकी थी और तीनों अपने सामने आत्मा को देखकर थर थर कांपने लगती हैं। हमें अपना फ्यूचर नहीं जानना, हमें नहीं जानना अपना फ्यूचर, और न ही हमें आपको वश में करना है। हमें जाने दो, हमें सूजी और रिजोल्व करना ही नहीं चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें घर वापस जाने दो। वो आत्मा जोर जोर से हंसती है, उन्हें हवा में उड़ा देती है और उसके बाद हवा की तरह वो भी गायब हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ हुआ क्या था। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन वो चारों स्कूल नहीं आती। सबको लगता है शायद उन्होंने छुट्टी कर ली होगी, लेकिन जब उनके पेरेंट्स स्कूल में आकर हंगामा करते हैं तब पता चलता है कि वो कल से गायब हैं। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ समय बर्बाद मत कीजिए, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कराइए क्योंकि आपके बच्चे स्कूल से गायब नहीं हुए, जाइए यहाँ से। और वो सभी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कराने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती वॉशरूम से वापस आ रही थी कि तभी उसे एक क्लास का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है और वो अंदर जाकर देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि वहाँ कुछ लाल कपड़े पड़े थे, कंघी पड़ी थी और कुछ खून के धब्बे। यह देखकर आरती बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत राधा मैम और प्रिंसिपल मैम को बुला कर लेकर आती है। राधा मैम, देखिए ये ब्रेसलेट काव्या का है और ये वॉच नेहा की, लाल कपड़ा, कंघी और ये खून के धब्बे, यहाँ हुआ क्या था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा मैम, कुछ तो गड़बड़ है, आप जल्दी से वो सब हॉरर बुक्स लेकर आइए जो आपने अनामिका से लेकर अपने पास रखी थी। प्रिंसिपल मैम, राधा मैम क्लास को देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। उसके बाद आरती एक एक करके सभी हॉरर स्टोरी पढ़ती है और उसे लाल कपड़ा और कंघी के बारे में सब पता चल जाता है। स्कूल के चौराहे पर सूजी और रिचुअल किया गया था और मुझे लगता है उस रिचुअल की वजह से ही उन चारों की मौत हो गई। कंघी, लाल कपड़ा, यह सब उस रिचुअल के बारे में ही बता रहे हैं और हमारा स्कूल चौराहे पर है इसलिए वो रिचुअल यहाँ किया गया था। आरती, इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, यह रिचुअल हमारे स्कूल में किया गया था, हमारे स्कूल की बदनामी हो जाएगी इसलिए तुम्हें चुप रहना है, अपना मुंह खोलना नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल मैम आरती को चुप करा देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती को अनामिका की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर आरती चौंक जाती है।